मुंडे की शक्ल तो मेरे पुत्र जी जैसी लग रही है। पापा जी आपका पुत्र ही है। ओ पता है? संभाल की। और पुत्र जी आ जा यार। ओ कोई गल नहीं है। आजा जब तो पाले। ओ कोई गल नहीं यार, कोई गल नहीं है। आजा आजा आजा। ओ यार ये बाथरूम किधर है? ओ इनका वॉशरूम कहाँ है? एक तो वॉशरूम ही नहीं पता कहाँ है, कब से ढूंढ रही हो। ओ सॉरी बहन जी। ओ भगवान ने तू आप यहाँ क्या कर रहे हो? तू तो किसी सक्सेस पार्टी में जाने वाली थी, यहाँ पर कैसे? आप भी तो किसी फेलियर पार्टी में गए थे, यहाँ क्या कर रहे हो? ओ जी ये शोक वाली पार्टी तो है, वो विनोद के वीपी ना बन पाने के गम में पार्टी कर रहे हैं। विनोद के वीपी ना बन पाने के गम में? ओ जी अंदर ना उसके वीपी बनने की खुशी में पार्टी चल रही है। क्या कह रही है तू रुक यहाँ पर, मैं पता करके आता हूँ। पता नहीं यहाँ पे हो क्या रहा है। अब उतर, थैंक यू। यार सब कुछ मिल जाए तो फिर कहो आदमी मेहनती क्यों करे। ले यार ले। देवलोक में बैठी बैठी बोर हो रही थी, अगर तुम बता देती तो मैं अपना जोकर का एक्ट प्रिपेयर करके आ जाती सबको एंटरटेन करने। और चुप। हाय। चुप कर जा जोकर कहीं की, वो ज्यादा बन मत, ठीक है? और सुन यार एक बात बता यार, तू मुझे इसी पार्टी की हिंट दे रही थी ना? हिंट तुम्हें कुछ और दे रही थी यारा, तूने तो कुछ और ही ले लिया, बुद्धू कहीं का। अच्छा बता तू खुश क्यों नहीं है? खुश कैसे हूँ यार, क्यों? तूने सोनू को देखा कैसे बिहेव कर रही है? और तुझे पता है जब मैं वाइस प्रिंसिपल बनने वाला था ना, तो मुझे ना ट्रॉफी बनाकर ना अपने सारे दोस्तों के सामने ना शो ऑफ कर रही थी, और अब तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मैं खुजली वाला बंदर हूँ। वो किसी के सामने फटकने भी नहीं दे रही। यारा अपने घर वालों को जज करने से पहले एक बार सोच तो ले कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। प्यार में इंसान अक्सर अंधा हो जाता है, पर उनकी असली इंटेंशन तो पहचान मेरी जान। वाह जोकर का फलसफा कभी रॉन्ग नहीं होता। अब तू क्यों यहाँ पर आ गई? मेरा दुख बांटने? नहीं, देवलोक में ना एनुअल सर्कस की तैयारी चल रही है, और इस साल मैंने डिसाइड किया कि मैं जोकर बन के जाऊंगी, लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि जोकरों के साथ मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। फिर टन करके आइडिया आया कि धरती पे जाके अपने फेवरेट जोकर के साथ मुलाकात कर लेती हूँ, कुछ सीखने को मिल जाएगा। फेवरेट जोकर? ओह अच्छा, तो तू मतलब यहाँ इसलिए आई है ताकि तू मुझसे जोकर बनने की ट्रेनिंग ले सके, है ना? सही जगह पर आई है, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे सर्टिफाइड जोकर जो बना दिया है। डिप्रेसिंग हो तुम। बैठे रहो तुम अपने गमों का परेड लेके, उछलते रहो यहाँ से वहाँ बंदरों की तरह। मैं चली अपने करतब दिखा के लोगों को हंसाने, थोड़ी सी खुशियाँ बांटने। तुम भी जरा सीख लो कुछ। जोकर का एडवाइस है, कभी रॉन्ग नहीं होता। जोकर की एडवाइस। पाजी एक गल बताओ, ये सक्सेस पार्टी है या फेलियर पार्टी? अंजू कोई बड़ी मिक्स सी पार्टी चल रही है। ओ यहाँ कुछ और चल रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है। ओ मेरी वोटी उधर सक्सेस पार्टी मना रही है, और हम यहाँ पर फेलियर मना रहे हैं। ओ पाजी बताओ तो सही है चल क्या रहा है। अब तू बता कि असली वाली पार्टी है कौन सी? ओ यार रोको उसे। ओ यार ओ गल तो सुने। और मैं बताता हूँ आंटी जी, कि ये पार्टी क्यों हो रही है। आप लोगों का ना कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि मैं कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल नहीं बना। प्रोफेसर था और आज भी प्रोफेसर ही हूं। तो मतलब आप वीपी नहीं बने? अब आपको लिख के दे दूं क्या जी? कोई ना जी, तो पर इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम पार्टी नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी में ना हमें हर चीज सेलिब्रेट करनी चाहिए, है कि नहीं? चाहे खुशी हो या फिर गम। तो फिर आ जाओ जी, आ जाओ, किस बात का इंतजार है? ओ ग्लास खड़काओ जी, थोड़ा चखना वखना लाओ जी, ओ गल्ला शल्ला करो जी, हंसो और हंसाओ और मौजा करो जी, और सारे गम भूल जाओ। और रुक जा पुत्र, रुक जा। और ये वाला जाम मेरे विनोद पुत्र के नाम। हाँ जी, और चीयर्स है, चीयर्स है। चलो जी, अच्छा ये विनोद जी के आने पे झूठ का पर्दा उठ गया। वैसे सोनू, इतना भी क्या दिखावा यार कि तू लोगों को अपने हब्बी के बारे में झूठ बोलती है। मिसेस ज्योति, ऐसा ना वही लोग करते हैं जो करोड़ों में एक होते हैं। इतना दुलार करने वाली मां, इतना प्यार करने वाली बीवी, हर खुशी का ख्याल रखने वाली बहन। वो आ जा यार, हैं? हर गम बांटने वाला बाप। ओ पप्पा जी, आया पुत्र। और मेरा प्यारा भाई, तो आपको पता है जी, ऐसे लोग अगर समाज में बढ़ जाए ना तो समाज का कितना भला होगा, आप इसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते। वो इतना बेइंतहा प्यार करने वाला परिवार तो सिर्फ मेरे जैसे खुशनसीब को ही मिल सकता है जी। वाह 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 पुत्र, वाह। वो ऐसा प्यार पाने के लिए एक चूट तो क्या, और मुझे ऐसे 1000 चूट भी मंजूर हैं। क्यों सोनियो, वो सच बोला ना? हाँ वीनू, ग्रीन या ऑरेंज? नहीं, एक भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है वही बेटर था, है ना, ये वाला ग्रीन, बट आई थिंक वो ज्यादा अच्छा है। नाइस। हाँ ये भी, पर नहीं ये भी उतना अच्छा नहीं है, कुछ और देखते हैं। पता नहीं कौन सी पावर आ जाती है इन औरतों को शॉपिंग के नाम पे। कौन सा अच्छा है वीनू? वीनू, हाँ ऐसे क्या कछुओं की तरह स्लो स्लो चल रहे हो? ओ अब क्या 24 घंटे खरगोश बना फिरूं यार। शॉपिंग के नाम से तुम्हारे घुटने सो जाते हैं ना। ओए गल दस यार, तू शॉपिंग पे आई हुई है या म्यूजियम में? खरीदी 2 चीजें नहीं है, 1000 ली। ऐसे क्या कुड़कुड़ कर रहे हो वीनू? मुझे ना शॉपिंग ही नहीं करनी, जाने दो। ओ जा यार, मत कर। ओ चल। ओ ओए, ओ सोनू, ओ माफ कर दे, माफ कर दे। ओ दे, ओ दे, ओए ओए ठहर जा, ठहर, ओ माफ कर दे यार, वो गलती हो गई। सच्ची? ओ सच्ची, ओ समझा कर यार, वो मर्दों के बस की बात नहीं होती ये शॉपिंग वॉपिंग। ओके, तो सिर्फ एक लास्ट चीज लेनी है, फटाफट ले लेते हैं। हाँ लास्ट चीज, इन औरतों की लिस्ट में कभी कोई लास्ट चीज होती है क्या? कहाँ चली गई यार ये? सोनू, मुझे ना लिपस्टिक चाहिए। ये वाला रेड, ये वाली रेड। हाँ ये तो ना चेरी रेड है, मुझे ना ये वाली मिर्ची रेड चाहिए। ये देखिए मैम, दिस इज द तोता रेड, दिस रेड इज पेरी रेड मैम, ये तो रोज रेड है। नो, ये तो एप्पल रेड है। आप और दिखाइए, और कौन सा चाहिए आपको? ये रेड ही तो है मैम। हाँ मुझे ना ये वाली रेड चाहिए ना, और रेड दिखाइए। हाँ जी मैम, ये देखिए मैम, डार्क रेड। नो ये देखिए, हाँ तो सनसेट रेड। नो ये वाइन रेड, ब्लड रेड, डर्टी रेड। This is not even red, है ना वीनू? मैम और रेड नहीं है हमारे पास, यही सब है। भाई ये लिपस्टिक का कलर सिलेक्ट कर रही है या अपने लिए दूसरा हस्बैंड? इतना क्या चूजी होना यार। ओ सोनियो, ओ ये रेड तो रेड ही होता यार, कोई सा भी रेड ले ले। नहीं वीनू, मिर्ची रेड होता है। हाँ। बाकी सब रेड। पर मुझे तो ये सारे लाल ही लग रहे हैं। तुम्हें लगानी है क्या लिपस्टिक? नहीं नहीं यार, मुझे थोड़ी ना। अब दिखाइए, आपके पास ये पोस्टर वाला रेड नहीं है? अरे मैडम, ये जो मैंने दिखाया था ना आपको, पोस्टर वाला रेड ही तो है। आपको लग रहा है मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है क्या? वीनू तुम बताओ, ये दोनों रेड सेम है क्या? सोनू वो पता नहीं यार, मुझे ना वो कलर ब्लाइंडनेस वाली फीलिंग आ रही है। हर जगह मजाक अच्छा नहीं लगता ना। ओ अक्कड़ बक्कड़ करके ले ली यार। नहीं वीनू, मुझे ये पोस्टर वाली रेड चाहिए, सेम टू सेम। सेम टू सेम। ओ जी, बड़े दिनों के बाद घर में कोई ब्याह का कार्ड आया है। खेती खेती चलेंगे बारात निकलने से पहले, नहीं तो मनोहर की शादी की तरह यहाँ भी छोले कुलचे नसीब नहीं होने। मम्मी जी, ये ताने मारने के चक्कर में अगर लेट हो गई ना, तो छोले कुलचे तो क्या, गोलगप्पे भी नसीब नहीं होने। ओ यार आप लोग लड़ झगड़ते क्यों हर बार हैं? घर पे शादी का कार्ड आया है, 2 दिन बाद पार्टी में जाना है, शॉपिंग वॉपिंग की नहीं आपने? शॉपिंग? ओए बुन्नू पुत्र, अपनी मम्मी जी से पूछ, मैं हेडाई खरीद के लेके आया था, कहीं दिख नहीं रही है। कहीं गरम मसाला समझ के दाल में छौंक तो नहीं लगा दी? कोई नहीं पुत्र, तू ये समझ के खा लेना ना कि दाल में कुछ काला है। ओ दाल कहाँ से काली होगी बीजी, और हमारी बीजी ने पूरा कलर इस्तेमाल कर लिया। हाँ तो की गाल हो गई, वैसे भी तू तो कलर लगा के भी मेरा बड़ा भरा ही दिखता है। तो यार छोटा भरा ही बोल दिया होता है। चुप कर, और तू तो मारूंगा तुझे भी। ओ हेलो जी, हेलो दादी। ये देखो, मॉल से कुर्ती ले ली सेल पे, ब्रांडेड। कैसी है ये गुजराती कुर्ती? हाँ महंगी है ना। ओ यार पुत्र, यार अपने पापा जी के लिए भी 2 कच्चे खरीद के ले आता सेल से। प्लास्टिक खराब हो रही है सबकी। पापी, मैंने जो शॉपिंग की है ना, उसे लुक करके आपके होश ही ब्लास्ट हो जाएंगे। कराइए बता तू। दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ। वाह कनू, ये तो कितनी सरस है। ओ लेकिन बहन, ये तू इतनी महंगी इयररिंग लाई कहाँ से? कहीं ढाका डाला है क्या तूने? तेरी पॉकेट में से मेरे। अच्छा, मैं तब सोचूं मेरी जेब से आजकल पैसे जा कहाँ रहे हैं। हाय पुत्र, बड़ी अच्छी इयररिंग है, काश मेरे पास भी होती। कैसी लग रही है? यार मुझे ना ये औरतों की एक बात समझ में नहीं आती। क्या पापा? इनको वही चीज क्यों चाहिए होती जो दूसरों के पास होती है? पर पापा जी मेरी सोनू तो बिल्कुल नहीं ऐसी है, क्योंकि उसकी जो चॉइस है ना वो एकदम ओरिजिनल है ना सोने हो? हाँ विनू। कनू ये ले। विनू हम ऊपर चले, सामान रख देते हैं। हाँ अच्छा जी मैं हुणे आता हूँ। चलो जी चलो। अच्छा मम्मी जी अभी थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है? वीनू। हाँ जी। वो कनू की इयररिंग्स बड़ी अच्छी थी ना वीनू, मुझे भी चाहिए वैसी इयररिंग्स। ओए, पर तेरे पास तो इयररिंग्स का खजाना है ना यार। हाँ खजाना तो है, उसमें कनू जैसी इयररिंग्स नहीं है ना। तो जरूरी थोड़ी ना है कि तेरे खजाने में कनू जैसी इयररिंग्स भी हो। हाँ जरूरी तो नहीं है, पर मैं सोच रही थी विनू कि सोना ही तो है, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी और क्या है ना बुरे वक्त में काम भी आएगा। बात तो तू ठीक कह रही है। चल ठीक है, सैलरी बढ़ जाने दे तो जरूर दिला दूंगा। ठीक है। क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं। कुछ नहीं बताना क्या सोच रही? कुछ भी नहीं विनू। कुछ नहीं की बच्ची। अच्छे से जानता हूं तुझे, बताना विनू। वो ज्योति है ना, वो कह रही थी। ज्योति? अब क्या बसूड़ी फैला दी ज्योति ने? जाने दो, वो तो हमेशा बकवास करती रहती है ना। चल बता क्या बोला ज्योति? विनू वो कह रही थी कि मेरे पास ना एक भी ढंग की ज्वेलरी नहीं, पर तुम रहने दो, टेंशन मत लो, सैलरी बढ़ती दिला देना। ओके ये कह रही थी ज्योति। ओ माड़ी रे, अगर ये बात है तो ठीक है यार, तू कल ही ले ले ज्वेलरी, पैसे का मैं देख लूंगा यार। सच? सोनियो तू ना मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है, चाहकर भी तुझे ना नहीं कह सकता। अब तू देख, वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इयररिंग्स लेकर आऊंगा तेरे लिए। वर्ल्ड के बेस्ट नहीं चाहिए विनू, कनू की है ना बिल्कुल वैसी चाहिए। कनू की जैसी